वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टेकिंग मिसेलेनियस एग्जाम ऑन द चैप्टर मैट्रिसेस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द मैट्रिक्स वी हैव टू डिस्कस टुडे सेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ई क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एज वी हैव टू डिस्कस हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड व्हाट टाइप क्वेश्चन। सो सी first of all we have to give the introduction of the PMI, principle of mathematical induction, principle of mathematical induction। So what is the mathematical इंडक्शन? एज यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द इंडक्शन, इंडक्शन में आपने जैसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इंड्यूस करंट, राइट? इसी तरह से हम मैथ्स में भी इंड्यूस का यूज करते हैं। इंड्यूस का या इंडक्शन का मतलब ये है, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग स्टैंड में गाड़ी या साइकिल देखते हैं, ये आपकी साइकिलें स्टैंड पे खड़ी रहती है इस तरह से, राइट? अब इस तरह से हम लोग क्या इस साइकिल को अगर थोड़ा सा भी धक्का दें, तो ये साइकिल क्या इसकी पूरा आकृति गिरेगी ऑटोमेटिकली, ये गिरेगी ऑटोमेटिकली, ये इस तरह से ये चैन चलती रहेगी, राइट? तो इसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं। यानी इस पे जो प्रभाव हुआ वो प्रभाव इसका इस पे आ गया, इसका प्रभाव इस पे आ गया, इसका इस पे आ गया। तो आपने इंड्यूस करंट में भी पढ़ा कि जब आप प्राइमरी सेल में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेल में अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हो तो उसके कारण सेकेंडरी में वो है करंट पैदा हो जाता है, राइट? तो यहाँ पर भी वही है, जैसे इस साइकिल को धक्का लगेगा हल्का सा, ये इसके ऊपर गिरेगी, ये इसके ऊपर इस पर कर। और आजकल आपने मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि बहुत सारी स्लैब रखी रहती है इस तरह से, ये जैसे स्लैब है, ये सीधी रखी रहती है स्लैब, और एक को आप हल्का सा पुश दे दो तो ये इसके ऊपर गिरेगी, ये इसके ऊपर गिरेगी, इस तरह से ये चैन चलती रहेगी। सो दैट इज नोन एज इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम प्रभाव डालते हैं वही प्रॉपर्टी दूसरे में आ जाती है, वही तीसरे में आ जाती है, उसी को मानते हुए दसवें तक वही प्रॉपर्टी चलती है। सो दैट इज नोन एज इंडक्शन। तो प्रिंसिपल क्या हुआ इसका, इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। मैथ में हम इसको यूज करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं पी एन बी द स्टेटमेंट, बी द स्टेटमेंट, राइट? जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया x plus y whole square equal to x square plus y square plus 2xy, this is the formula। अब ये फॉर्मूला x और y किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, राइट? क्यों है? क्योंकि हमने इसको प्रूव कर दिया। कैसे किया? पहले इसने x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी, देखा कि ट्रू आ रहा है दोनों साइड से, राइट? 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 4 आ गया। इसी तरह से इसकी कोई भी वैल्यू 1 के लिए ट्रू है तो हमने मान लिया कि 10 के लिए भी ट्रू होगा, x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 10। तो अगर इस 10 के लिए ट्रू है देन इट विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम शॉर्ट में कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि कोई भी रूल है या स्टेटमेंट है वो अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए सही है, वी हैव टू सी हियर, एक ऑब्जेक्ट के लिए अपने को चेक करना द गिवन रूल इज ए ट्रू, देन वी सपोज इट इज आल्सो ट्रू फॉर सम अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी अपन उसको मान लेते हैं कि अगर ये ए के लिए सही है, ए मतलब सपोज के ऑब्जेक्ट के लिए बी सही, दिस इज वी आर सपोजिंग फॉर के इट इज ट्रू, एंड व्हेन यू प्रूव दैट दिस इज और सपोजिंग दैट के फॉर ट्रू then we have to prove it is a true for n, तो ये n के लिए भी true होगा, this is the principle।
प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, पीएन की द गिवन स्टेटमेंट। कोई भी आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होंगे, 11th में आप लोग इसको एक चैप्टर को वापस देखना क्योंकि कम्युनिटी में बहुत काम आता है, तो वहां पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले दे रखा है। जैसे हमने कहा एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला एन प्लस एन बाय टू, ये फॉर्मूला हमको दे रखा है। नाउ दिस इज ए ट्रू और नो, ये फॉर्मूला ट्रू है या नहीं है, तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। इसको कैसे प्रूव करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट एन इक्वल टू वन, फर्स्ट स्टेप पी वन बी ट्रू। सबसे पहले हम पी वन ट्रू मानेंगे, कैसे होगा पी वन ट्रू, राइट से इसमें देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है एस एन, तो एस वन यानी एक क्रम का सम है, वन मतलब ये वन हो गया, तो लेफ्ट साइड ये आ गया वन। अब राइट साइड में भी एन इक्वल टू वन रखेंगे, राइट हैंड साइड से 1 इनटू 1 प्लस 1 बाय 2, 2 बाय 2 दैट इज 1 व्हिच इज इक्वल टू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट P1BQ, ये ट्रू होना चाहिए। तो यहां ट्रू हो रहा है, एक ही नेचुरल नंबर का सम है या फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है वो 1 है, और ये राइट हैंड साइड जो फार्मूला दे रखा है ये भी यही कह रहा है, इट मींस P1 इज ट्रू। देन सपोज सेकंड केस दैट PKBQ for some positive integer k, किसी भी positive integer k के लिए ये rule true है, ये हमने माना है, ठीक है ना। तो इस rule को अगर हम suppose कर लेते हैं कि k के लिए true है, तो इस rule को हम क्या लिखेंगे, SK 1 plus 2 plus 3 plus plus k right is equal to k into k plus 1 by 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये हमने सपोज किया है, ये हमने मान लिया है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। अगर p1 is true then this is also true। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड है we shall prove p of k plus 1 is true whenever pk is true। तो उसके नेक्स्ट वाला अगर आपका pk true है, then you have to show that p of k plus 1 is also true। अगर ये true है तो इसके नेक्स्ट वाला यानी आपको क्या प्रूव करना है, k plus 1 यानी 1 plus 2 plus 3 plus k plus k plus 1 that should be equal to k plus 1 k प्लस वन प्लस वन टू बाई, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पैरेलल में 11th का मैं क्वेश्चन भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा, प्रिंसिपल ही ये बस प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। सबसे पहले आपको लिखना पी एन की जगह गिवन स्टेटमेंट पी वन पी क्यू, तो एन की जगह वन रखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर सपोज कर लेना लेट पी के बी द ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, k के लिए हमने मान लिया कि ट्रू है। अगर ये ट्रू है then we have to prove this pk plus 1 is also true, right? तो ये भी एक ट्रू होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अब आपका काम क्या रहेगा, इस लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू शो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस k प्लस k प्लस 1, राइट। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन और इक्वेशन वी कैन टेक ऑल दी, यहां तक जो टर्म है ये k तक, ये हमने इक्वेशन 1 में सपोज किया, क्या किया है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k अप टू k नेचुरल नंबर सम इज गिवन बाय फार्मूला k, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ये, so now this can be replaced by k k plus 1 by 2 plus ये आपका लास्ट टर्म k plus 1 by 1, ये 1 से हमने ले लिया है। अब इसको सॉल्व करना है, that should be equal to k plus 1। देखिए तो इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ k plus 1, तो यहाँ रह जाएगा k by 2 plus 1, एलसीएम लीजिए k plus 1
a plus 2 upon 2, which is equal to right hand side. इसका मतलब क्या है? This is at last two right hands p of k plus 1 is जो whenever pk is hence given p and p. Given statement is true. तो देखिए बच्चों, इसमें क्या सबसे बड़ी चीज आपके लिए नया टॉपिक है, इलेवन में आप लोगों ने पढ़ा नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने डिलीट कर लिया, ऐसे ही बाइनोमियल में परेशानी आएगी, तो इसको आपको ज्यादा घबराना नहीं है, इसको देख लेना एक बार कि ये मेन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो कुल मिलाकर तो ये पीएमआई, इसको शॉर्ट में हम पीएमआई कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स सम, पीएमआई। तो पीएमआई क्या है? एक मेथड है, किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी रिलेशन को प्रूव करने में काम में आता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक मेथड है, या हम कहें एक टूल है जो किसी का सॉल्यूशन निकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि इलेवंथ में ही होगा, आप आगे हायर एजुकेशन में जाओगे, कुछ स्टेटमेंट आपको प्रूव करने पड़ेंगे, दैट कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ पीएमआई, ठीक है ना। जैसे हम किसी का स्क्वायर निकाल के सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये सब मेथड है, ठीक है ना। सिमिलरली पीएमआई इज आल्सो ए प्रोसीजर व्हिच हेल्प्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमको फार्मूला है, आपने 10th में भी पढ़ा एपी का, कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n इनटू n प्लस 1 बाय 2। अब हम पीएमआई से प्रूव कर रहे हैं कि क्या ये सही है, तो इसको हमने एक स्टेटमेंट मान लिया पीएम या एसएन जो भी है, और लास्ट तक हमने प्रूव कर दिया कि पीएम भी ट्रू। पीएम भी ट्रू का मतलब ये सम वाला फॉर्मूला सही है। तो किसी भी फॉर्मूले या रिलेशन या इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग पीएमआई को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, अब इसी को फॉलो करते हुए मैट्रिक्स में भी कुछ प्रूव है विच कैन बी हेल्प विद द सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पीएमआई। तो एग्जांपल 26 देखिए, इसको हम पीएमआई से कैसे करेंगे, ये याद रखना तीन ही रूल है, P1 पीके और पीके प्लस वन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग पीएमआई। एक क्वेश्चन आपके एग्जांपल में दे रखा है, एक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 26, इफ ए इक्वल टू रखी है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, अगर मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये है, तो आपको प्रूव करना कि ए पावर एन मैट्रिक्स जो होगी वो ही होगी। तो इसको हम प्रूव करने के लिए पीएमआई को यूज करेंगे, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय यूजिंग पीएमआई। सॉल्यूशन में लिख दीजिए वाले, वी शैल यूज पीएमआई टू प्रूव इट। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पीएमआई को यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स सम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स सम वी हैव टू यूज। तो हमने कहा था जब भी कोई आप प्रूव करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट पीएन, सो दैट पीएन बी द गिवन स्टेटमेंट सच दैट। अब पीएन का मतलब क्या है? ए पावर एन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पीएन सच दैट ए पावर एन शुड बी इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन, वेयर एन इज ए नेचुरल। ये हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया या रूल के फॉर्म में लिख दिया। अब हमको ये प्रूव करना है, तो पहले हमने कहा था फॉर प्रूविंग पी एन बी टेक एन इक्वल टू वन, सो लेट एन इक्वल टू वन, दैट इज पी वन सच दैट ए पावर वन, जहां जहां एन है वहां पर वन रख देंगे, कॉस एन वन इंटू थीटा थीटा, साइन वन इंटू थीटा थीटा, सो माइनस साइन एन की जगह वन रखेंगे थीटा, देन कॉस थीटा, so that is also equal to r, this given a, so this a equal to this, so it is a pure,
which is equal to A. So we can say Pn is Q for n equal to 1. तो सबसे पहले आपको n equal to 1 के लिए रूट को ट्रू ट्रू करना है, क्योंकि जो a की वैल्यू दे रखी वो यही है, राइट साइड में हमने a रखा था, तो a की वैल्यू आ गई n equal to 1. तो ये दिस इज ट्रू फॉर n equal to 1. अब अगर ये n equal to 1 के लिए ट्रू है, लेट द रिजल्ट ट्रू बी, तो हम सपोज करेंगे लेट रिजल्ट बी Q for n equal to 1, ये आपको सपोज करना, और आप लिख सकते हो let assume P K is Q where K is some positive integer, that is, तो हमने सपोज क्या कर लिया, the result is Q for n equal to K. यानी कोई भी k तो पॉजिटिव नंबर है, जैसे 10 के लिए q है या 20 के लिए q है, वी सपोज इट इज q फॉर n इक्वल टू k वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर. तो अब इसको k के टर्म में लिखेंगे, दिस इज गिवन इन टर्म ऑफ n, तो जो ये n दे रखा है दैट कैन बी रिप्लेस बाय k. तो pk क्या हो जाएगा, pk सच दैट a पावर k, जहां जहां n है वी रिप्लेस बाय k, k थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यानी ये हमने मान लिया है कि a पावर k की वैल्यू क्या होगी, ये माना है, ठीक है ना, ये आपको सपोज करना है, प्रूव नहीं करना. प्रूव क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव, नाउ वी शैल P of k plus 1, यानी इसके बाद वाला टर्म, अगर ये दसवां है तो ग्यारह प्रूव करना है, हजारवा है 1001 प्रूव करना. सो नाउ वी शैल प्रूव P of k plus 1 इज ट्रू, इज ट्रू व्हेनेवर P k इज ट्रू. तो P k plus 1 की जो ट्रूथ है, ट्रूथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन द, तो ये जो भी हम प्रूव करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड है, पी के. तो पी के प्लस वन क्या हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा, दैट इज पी के प्लस वन, जहां जहां के लिखा वहां के प्लस वन आ जाएगा. सो कॉस ऑफ के प्लस वन इन थीटा, साइन ऑफ के प्लस वन इन थीटा, माइनस साइन ऑफ के प्लस वन इन थीटा, कॉस ऑफ a प्लस वन इंटू थीटा. तो ये इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना. ये हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोसेस लिखा है, ये पूरा एक प्रोसेस है, आपको याद रखना है, मेथड है, राइट. अब सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी, अब आपको सिंप्लीफाई करना है कि a की पावर है जो k प्लस वन वही आना चाहिए. अब ये आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड टू करना, यानी इसको सॉल्व करना है और इनर. अब इसको सॉल्व करने के लिए ए पावर के को यूज करेंगे और ए को यूज करेंगे, राइट. तो इसको मैं वापस रखता भी ऊपर लिखता हूं, ए पावर के प्लस वन, यहां देखिए सो लेफ्ट साइड लीजिए, इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए पावर के प्लस वन. Now by the rule of the indice or index or power, we know that a power k plus 1 can be written as a into a power k. Base m है, power इसकी 1 है, इसकी k है, add करोगे k plus 1. यानि a power k plus 1 can be written as a into a power k plus 1. Right? तो अब इसको solve करो, a की value रखेंगे पहले, तो a हमारा क्या है? Cos theta, sin theta, माइनस साइन थीटा एंड ये दिया इनटू ए पावर के, ए पावर के हमारा ये मैट्रिक्स है, तो ये रख दीजिए. तो क्या आ जाएगा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा.
तो ये हमने लेफ्ट साइड ले लिया है, लेफ्ट साइड को स्प्लिट कर लिया है, तो दोनों की वैल्यू रख दिए ए और ए पावर के, राइट। ए पावर के, ए पावर के वी आर राइटिंग दिस बाय वन, वन से लेना के है एन नहीं, बाय वन वी टेक ए पावर के, ए पावर के की वैल्यू ये ए पावर के इक्वल टू कॉस के थीटा के साइन के थीटा साइन के एंड कॉस। अब हमारा काम क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे वी गेट दिस, करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो कॉस कॉस थीटा इनटू कॉस के थीटा, कॉस थीटा इनटू कॉस के थीटा प्लस माइनस, तो माइनस साइन थीटा साइन के, क्लियर। तो ये तो आपका पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो कॉस थीटा इनटू साइन के थीटा, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सिमिलरली नाउ वी टेक द सेकंड रो, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा, तो मैं माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा लिखूंगा, देन कॉस थीटा साइन के थीटा, इसे माइनस साइन के थीटा, ये माइनस है यहां, सो कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा, सिमिलरली द सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, सो माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, देन कॉस के थीटा। तो ये कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करनी है ध्यान से। अब देखिए इसमें फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो मैट्रिक्स में भी आ गए, इसलिए हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेवंथ का जो ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फॉर्मूला है cos a into cos b minus sin a sin b, ठीक है ना, cos a into cos b minus sin a sin b, always equal to cos a plus b, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, cos a, a मतलब थीटा, b means a थीटा, ये आ गया cos का। इसी तरह से ये भी फॉर्मूला है cos थीटा sin के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस के, यानी आप कह सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का। तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन ए मतलब थीटा और बी मतलब के थीटा, तो ये फर्स्ट रो को लिख दिया। अब इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, सो वी टेक माइनस कॉमन, अब जैसे माइनस कॉमन ले लोगे नहीं प्लस में रह जाएगा पूरा ही, तो वापस यही फॉर्मूला साइन वाला, साइन थीटा कॉस ए थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो नॉट प्लस है याद रखो। यहां देखिए यहां मैंने से उल्टा शुरू कर देता हूं फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, cos a a मतलब थीटा b में से नाउ सी, सो आफ्टर दिस यू कैन से इन ऑल वी कैन टेक थीटा एज ए आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले सकते हैं सब में थीटा, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा cos थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस 1 इनटू थीटा बाहर ले लिया, sin a प्लस 1 इनटू थीटा माइनस साइन के प्लस वन इंटू थीटा एंड कॉस के प्लस वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारा राइट हैंड साइड देगी, चेक कर लीजिए कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा एंड कॉस के प्लस वन थीटा, ठीक है। सो इन दिस वे वन कैन प्रूव दैट
The given statement is true. अब यहाँ पर आपको लास्ट में लाइन लिखनी है. Therefore the result is true for n equal to k plus 1. ये जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. Therefore the result is true for n equal to k plus 1. क्यों है? क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड ट्रू कर दी. इसीलिए आफ्टर दिस यू से एस बाय गिवन पीएमआई दस बाय पीएमआई या फुल नेम लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. वी हैव ए पावर एन. अब आपको वापस स्टेटमेंट लिख देना है कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा और ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर और फॉर ऑल नेचुरल नंबर. क्या सिंपल लिख सकते हो? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. सो डियर स्टूडेंट इन दिस वे one can prove the method. करना ये आपको A matrix दे रखी है, B दे रखी है, C दे रखी है और D निकालनी. अब condition ये fulfill होनी चाहिए. ठीक है? So we can suppose the element of D. आप D के element को suppose कर लीजिए and all matrix are of the same order here. Solution here A B, C of are of order 2 by 2. Therefore, this matrix CD minus AB should be also same order of order 2 by 2. So, D का भी वही order होना चाहिए जो ABC का है. D must be a square matrix. So, D must be a square मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो डी का भी ऑर्डर 2 ही होना चाहिए. तो हम मान लेते हैं डी को, लेट डी कंटेन एलिमेंट ए बी सी डी या एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, राइट? तो ये हमने एलिमेंट मान लिया. अब इसके इक्वेशन में हम रखेंगे देन सी डी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो. सी डी में सी मैट्रिक्स 2 5 3 8, डी मैट्रिक्स ए बी सी डी माइनस ए मैट्रिक्स 2 -1 3 4, डी मैट्रिक्स 5 4 7, सबकी हमने वैल्यू रख दी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. ये जीरो मैट्रिक्स आ गए. अब आपको मल्टीप्लाई करके माइनस करना. मल्टीप्लाई आपको आता ही है. तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a + 5c, सेकंड 2b + 5b, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3a + 8c, 3b + 8b, माइनस अब इसको कर दीजिए 2 × 5 = 10, माइनस 7, 2 × 2 = 4, -1 -2, देन 3 × 5 3 × 6 − 63 = 0 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
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 - 1 3 4 5 2 7 4, 2 × 5 10, दिस इज करेक्ट, 3 0 इज करेक्ट। सेकंड में गलत कर दिया, 3 × 5 15, अच्छा ये प्लस है, 4 × 7 28, तो ये हो जाएगा
माइनस करना आपको, ये माइनस का साइन आ रहा है, इन दोनों को लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी 2a + 5c - 3, ये आ जाएगा 2b + 5b + 0 लिखोगे तो वही रहेगा। नाउ दिस 3a (8c - 43) और इसको लिखोगे तो 3b + 8b - 22 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। नाउ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल है, सो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अब इन दोनों के एलिमेंट को कंपेयर करिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2, सो 2a + 5c - 3 = 0, 2b + 5d = 0, 3a + 8c - 43 = 0 and 3b + 8d - 22 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए बाय एनी मेथड, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या तो इसी तरह से डी और डी वाले दोनों सॉल्व की, तो यहां से डी और डी आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशन We get the answers. Solving equation. ये linear equation है, आप किसी भी method से solve कर सकते हो. So after solving this, we get e = -191. B, A and C solve. इन दोनों को solve करोगे तो A की value आ गई और C की 77. अब इन दोनों equation को solve एक साथ करोगे. Then value of B is -110 and value of D is 44 और D की value आ गई, तो final matrix D हमारी क्या आ गई, D equal to हमारा क्या था A -191 B -110 C 77 and D, so this is the required matrix. So in this way one can also find the matrix if we are given matrix equation. तो हमको कोई भी matrix equation दे रखा है और चार में से तीन matrix दे रखी है, तो इनकी value निकाल के matrix का operation जो भी है plus minus या multiply करके आप ये कर सकते हो, ठीक है। This is all about today's class. Thanks for watching. Have a nice day.